आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च हुए 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिमला की आईजीएमसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम आपको बता दें माफ कीजिएगा सीएम जयराम ठाकुर समेत सूबे के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में अभी तक 24 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है, वो इसका लाभ उठा रहे हैं और 31 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए गए हैं। आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने एक हेल्थ कवर के रूप में जो है शुरू किया, आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि करोड़ों लोगों को जो इलाज करने के लिए बेबस थे, लाचार थे, पैसे नहीं होने की वजह से, उनको इलाज मिला, वो स्वस्थ होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परिवार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी दृष्टि से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी आयुष्मान भारत बहुत सफल हुई है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।